नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे स्टॉक की। कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। कंपनी के स्टॉक के बारे में पूरा एनालिसिस किया गया है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड कंपनी है और ऑटोमोबाइल के फील्ड में एक OEM प्रोडक्ट्स बनाने की बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप की बात करेंगे, कैप मार्केट कैप इसका 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसके शेयर की स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है और अभी करेंट का हम लेकर चलते हैं तो आज मार्केट क्लोज होने पर ये 47 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था इसका स्टॉक। अब हम बात करते हैं करीब लास्ट ईयर से देखेंगे तो इसका सितंबर में इसके स्टॉक का प्राइस करीब करीब 65 रुपीज़ प्लस था। तब से ये रेगुलर डाउन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और अगर पूरे पिछले 3 साल या 5 साल की बात करें तो इस कंपनी के स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से आप इसमें करके आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसा इसने लंबे समय में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया है। करीब करीब 2-2.5% या 1.5% के आसपास के ही मार्जिन इसमें देखने को मिलते हैं लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टर्म में जरूर आप अच्छा पैसा इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके बना सकते हैं। कैसा रहने वाला है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के स्टॉक का फ्यूचर फोरकास्ट, स्टॉक कैसा ये 2023 में इसका स्टॉक करने वाला है, कितना प्रॉफिट ये अर्निंग करने की पोटेंशियल रखता है, ये सब बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको चीज़ें एक एक करके बताता चलूंगा। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं मदरसन सुमी के स्टॉक के बारे में और ये मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे पर्सनल एडवाइस की आप बात करेंगे तो ये एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छे इन्वेस्ट रिजल्ट आपको दे सकता है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप इसमें प्लान करते हैं तो ये आपके पैसे आपकी मनी को डिवैल्यूट कर सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर इसमें पड़े रहेंगे या इसमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। कुछ लोग ऐसे भ्रांति भी मार्केट में फैलाते हैं कि एकदम से ये 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हमने जो भी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैंने प्रिडिक्शन तैयार की है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ 14 डेज कमिंग 2 वीक्स इस स्टॉक के लिए कैसे रहने वाले हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और उनको उसके हिसाब से आप अपने आगे के स्टॉक का प्लान कर सकते हैं। आपको बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। 22 मार्च को आप नोट करेंगे तो ये अपने मैक्सिमम प्राइस वही करीब करीब 47 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। देन 23 मार्च को भी 46 रुपीज़ 80 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता दिखेगा। देन 24 मार्च को 46 रुपीज़ 50 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा। 27 मार्च को 46 रुपीज़ 25 पैसे, 28 मार्च को आप नोट करेंगे 45 रुपीज़ 50 पैसे, 29 मार्च को 46 रुपीज़ 35 पैसे, 30 मार्च को 45 रुपीज़ 55 पैसे, 31 मार्च को 45 रुपीज़ 55 पैसे एंड 3 अप्रैल से नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगा मार्केट, तो 3 अप्रैल को भी ये 45 रुपीज़ और 50 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखने वाला है। तो अब आगे अब बात हम बताते हैं इसमें कि इसका जो अपसाइड और डाउनसाइड 2 वीक्स का यानी कि 14 डेज का कैसा रहने वाला है। अपसाइड आप नोट कर सकते हैं 47 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास रहेगा और डाउनसाइड की बात करेंगे तो 43 रुपीज़ और 40 पैसे के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा डाउनसाइड। तो ये तो बात रही 14 डेज के प्राइस के अपसाइड और डाउनसाइड की। अब बात करते हैं मंथ वाइज ये कैसा रहने वाला है पूरे साल इसका और कितनी ये अर्निंग पोटेंशियल रखता है इफ अगर आप इसमें लंबे समय यानी 1 ईयर का प्लान करते हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात कर रहे हैं कि पूरे साल की प्रेडिक्शन और पूरे साल में ये अपनी प्रेडिक्शन कैसे देने वाला है तो अप्रैल की ही बात कर ली जाए तो अप्रैल से ही स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2023 में ये मोटा मोटी आप देखेंगे तो 46 रुपीज़ 10 पैसे 20 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर पूरे मई में ट्रेड करने वाला है। मई की बात करेंगे, मई में भी 43 रुपीज़ 90 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। देन जून 2023 को आप देखेंगे 41 रुपीज़ 80 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। जुलाई में 39 रुपीज़। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रिडिक्शन ऐसे नहीं बनाई जाती हैं, पूरा टेक्निकल और फंडामेंटली और बहुत सारा डाटा लास्ट हिस्ट्री वगैरह लेकर के तब हम इसको बनाते हैं। तो आप नोट कीजिए जुलाई में, तो जुलाई 2023 में ये 39 रुपीज़ 25 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। उसके बाद आता है अगस्त, तो अगस्त में आप देखेंगे तो थोड़ा ये और डाउन जाने का संभावना इस स्टॉक में बनती हुई नजर आती है। 37 रुपीज़ 15 पैसा मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। देन अगस्त के बाद में सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर में 34 रुपीज़ 55 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। अक्टूबर में 32 रुपीज़, जी हाँ अक्टूबर में 32 रुपीज़ और 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। नवंबर में 30 रुपीज़ 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है और दिसंबर में आप देखेंगे तो ये और थोड़ा डाउन जा सकता है, करीब करीब 27 रुपीज़ और 75 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिसंबर 2023 में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रहा मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड स्टॉक की
प्राइस फोरकास्ट फॉर 2023। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएगा, हो सकता है आपको पसंद ना आए ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपको लॉसेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से आप अगर मुझसे खफा भी हो सकते हैं, लेकिन जो सही है और जो सच है वही बताना हमेशा मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। अब हम बात करेंगे कि 1 ईयर अगर करंट प्राइस 47 रुपीज पर आप 1 ईयर का प्लान करते हैं कि 1 ईयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपको कितना अर्निंग पोटेंशियल देने वाला स्टॉक है। तो ऐसा हमारा प्रेडिक्शन कहता है कि ये आपके करीब करीब माइनस में 52% के आसपास नेगेटिव ये आपको डीवैल्यू कर सकता है, यानी कि आपके पैसे को घटाने की क्षमता रखने वाला स्टॉक है, ना कि प्रॉफिट देने वाला। तो बिल्कुल डाउट मत कीजिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट चीजें हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ें इन सब चीज़ों में हमने ली हैं। और मदरसन सुमी का ये स्टॉक का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा मुझे बताइए। किसी और कंपनी पर आपको वीडियो चाहिए तो भी लिख सकते हैं, आपके इस मदरसन सुमी से रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं, लॉसेज में है तो बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय से आपको वीडियो मिलती रहे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।